जनपद में 4 फरवरी से नामांकन को सकुशल संपन्न कराने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में बैरिकेटिंग का कार्य शुरू हुआ, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में 4 फरवरी से कलेक्ट्रेट में नामांकन का कार्य प्रारंभ हो रहा है, जिसका मतदान 3 मार्च को होगा। उन्होंने बताया कि जनपद में 9 विधानसभाएं हैं, जिसके लिए 9 न्यायालयों को आरक्षित कर दिया गया है, जिसके लिए बैरिकेटिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है। आम नागरिकों के लिए 3 फरवरी के बाद से ही कलेक्ट्रेट के गेट नंबर 1 से गेट नंबर 2 तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा, इसलिए आम जनमानस इस रास्ते पर सुबह 10 बजे से 5 बजे तक ना आए और किसी को कोई समस्या हो तो वह जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत कर सकता है, उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, डिप्टी डीओ एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूँ। हमारे जनपद में 4 फरवरी से नामांकन प्रारंभ हो रहा है, 3 मार्च को मतदान होगा। तो नामांकन के लिए हमारे जनपद में 9 विधानसभाएं हैं, कलेक्ट्रेट के 9 न्यायालय इसके लिए आरक्षित कर दिए गए हैं, आज से बैरिकेटिंग प्रारंभ कर दी गई है। तो जो आम नागरिक है, मैं इनको सूचित करना चाहता हूं कि 3 फरवरी के बाद से ही जो कलेक्ट्रेट के सामने वाली जो सिंगल लेन है, डबल लेन में से जो कलेक्ट्रेट की बाउंड्री से लगी हुई लेन है, वो आम आदमियों के लिए सुबह 10 बजे लेकर के शाम को करीब 5 बजे तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। तो कृपया इस ओर जिनको आना है उन दिनों में इस ओर ना आए। जिनकी कोई समस्या है, कोई शिकायत करना है, तो हमारा ऑनलाइन पोर्टल है जन सुनवाई पोर्टल, उस पोर्टल पर डालेंगे, अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान किया जाएगा।